अच्छा रेट भी अच्छा है आपका। रेट तो बहुत अच्छा है सर, इतना रेट में कोई बिल्कुल इतना सा तो अभी मैं एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में हूँ। यहाँ पे गोवा घूमने का बहुत ही चीपर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं ये लोग। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के दो ट्रिप्स होते हैं, ठीक मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्थ गोवा एक दिन और साउथ गोवा एक दिन, और चार्जेस काफ़ी नॉमिनल होते हैं। एक 17 सीटर आता है जो घुमाने ले जाता है। तो ये एक दिन का कितना चार्जेस होता है? 350 पर पर्सन 350 का। तो 350 पर पर्सन का एक दिन का चार्जेस होता है। तो अगर आपको पूरा गोवा कवर करना है तो दो पार्ट है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। नॉर्थ के लिए एक दिन आपको 10 देना होगा और एक दिन साउथ के लिए, और पर डे 350, यानी दो दिन का आपका 700 पर पर्सन आ जाता है। अगर आप प्राइवेट में इंडिविजुअली टैक्सी बुक करा के घूमो या फिर अपने इंडिविजुअली अपना एक टू व्हीलर लेके घूमो, तब भी आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यही आपको दिखाना चाहता था, ये हॉलीडे इन गोवा है। तो अगर आप कभी आए तो ये पर्टिकुलर सर्विस आप यहाँ ले सकते हैं। ये कलंगुट बीच में है, ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बागा बीच पे है, अगर बीच पे है ओके, बागा बीच, कलंगुट, कैंडोलिम, बहुत सारे बीच में ये ऑप्शन है। आप चेक कर लीजिएगा हॉलीडे इन गोवा, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 700 रुपीज़ में दो दिन में आप पूरा गोवा कवर कर सकते हो। तो अभी मैं ये भैया से बात कर रहा था। एक तीसरा ऑप्शन है जंगल सफारी और दूध सागर लेक का, जिसके बारे में भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ के। तो भैया ये क्या मतलब क्या ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब जाने का? दूध सागर वाटरफॉल है, जो कि जो इसका जो फॉल है ना वो दूध की तरह दिखता है। और इसमें हमारा जो पैकेज है वो 1700 का पैकेज रहता है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है इधर से एसी ट्रांसपोर्ट आने का जाने का, और वहाँ पे जो जीप सफारी चलती है फॉरेस्ट एंट्री लाइव जाके प्रोवाइड कराते हैं उसी पैकेज के अंदर, वो इंक्लूड है। तो जीप का हम लोग को सेपरेटली नहीं लगता है, आपको नहीं लगेगा? ओके ओके, वैसे आप इंडिविजुअली जाएंगे तो आपको 3500 पे करना पड़ेगा जीप के लिए सिर्फ। ओके, आप एक जन जाओ या दो जन जाओ उसमें एक्चुअली 7 सीटर रहता है, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा उसके लिए। बहुत टाइम जाएगा, हमारा क्या है हमारा ग्रुप रहता है, हमारा मतलब डेली का ये रहता है, तो हम लोग जल्दी से करा के देते सीट। ओके, बाद में उधर जाने के बाद 1 से 1.5 घंटे आपको टाइम रहता है, आप स्विमिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप वापस आते हो, फिर जीप पे बैठते हो, तो उसके बाद में आपको लेके जाते हैं स्पाइस प्लांटेशन, जो कि मसालों का बाग रहता है। अच्छा ओके, उसके बाद आपका उधर लंच रहता है अनलिमिटेड। तो वो लंच वो सेपरेट इंक्लूड है सर, वो भी इस पैकेज के साथ इंक्लूड है? पैकेज में इंक्लूड है, पैकेज में आपको वेज नॉन वेज दोनों रहेगा। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तब आपको वापस आते समय ओल्ड गोवा चर्च दिखाते हैं। ओके, तो ये जो सेपरेट ट्रिप है इसका कॉस्ट कितना होता है? इसका 1700। ओके, तो ये जो तीसरा वाला है आपका सर, जीप सफारी आ जाती है, फॉरेस्ट एंट्री, लाइव जैकेट और साउथ गोवा लंच और ओल्ड गोवा चर्च, ओल्ड गोवा की चर्चेस। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये ओनली स्पेसिफिक टू ऑन सीजन, जब सीजन चलता है तब होता है। अभी फिलहाल ऑफ सीजन में ये बंद है। तो अभी ऑफ सीजन में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की ये दो सफारी चल रही है, दो जो ट्रैवल चल रही है, और इसके लिए आपको 7 सीटर्स मिलती हैं 350 पर डे की।